रेलवे पे ना ओवरलोड बहुत ज्यादा है, रेलवे में क्या है ओवरलोडिंग की सिस्टम ज्यादा है। और एक और मतलब कई समस्या है भाई, जनसंख्या भी तो हम लोग की एकदम भयानक है, और हम लोग ने एक बहुत ऐसा गलती हम लोग से हुआ है जिसको सुधारना बहुत मुश्किल है रेलवे में। जो आप लोग जैसे रेटर सिग्नल के अंदर स्टेशन मास्टर को ट्रेन दे दिया जाता है, कंट्रोलर आएगा और ट्रेन दे देगा यहाँ पर। इससे पहले वाले बैच में बहुत सारे लड़के हैं जो इसमें SM हो गए या फिर ट्रेवलिंग अप्रेंटिस वगैरह, उन लोग का यही सब काम रहता है। ट्रेन यहाँ से लाएगा और इस पे छोड़ देगा। अब ये स्टेशन मास्टर का काम है कि ये आउटर सिग्नल से अंदर उसे किस लूप लाइन पे लेना है। मालगाड़ी है तो साइड में फेंक दे, VIP ट्रेन है एक नंबर प्लेटफॉर्म पे ले, राजधानी दुरंतो ये सब कोई एक दो पे लेता है, सब बढ़िया बढ़िया ट्रेन है, पैसेंजर 22 नंबर प्लेटफॉर्म जो सोच रहा ऊपर मतलब पैसेंजर को अक्सर देखेंगे ना सबसे रिजेक्टेड लाइन पे फेंक देता है, एकदम आखिरी में फेंकेगा, यहाँ पे दौड़ते रहो लोग वहां पे। तो VVIP ट्रेन को यहां देता है। अब हुआ क्या कि हमारे यहां जितने लूप लाइन है ना उसमें ज्यादातर लूप लाइन 700 मीटर के हैं, यानी लूप लाइन कितना है 700 मीटर का, यानी 700 मीटर से ज्यादा ट्रेन वाले हैं ना, तो हो सकता है कि ट्रेन इस प्लेटफॉर्म पे खड़ी है लेकिन इस ट्रेन का इंजन यहां है, ठीक है, और इसका पिछला चकवा यहां आ जाएगा, पिछला W, तो इस सूरा खड़ा है एक ऊपर डिस्टर्ब करेगा तीन गो को। अब पता चला उसी में स्टेशन मास्टर का दिया, हाँ एक काम कीजिए आप लेकर चल जाइए चार नंबर, एक नंबर प्लेटफॉर्म पे आप दो नंबर पे लेकर चलिए। कहा ठीक है सर हम ला रहे हैं दो नंबर पे, धक 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 धाए मार दिया, रे ससुरा तो नहीं लड़ गया यहां पर। इसलिए ट्रेन की पटरियों पर आप देखते होंगे फॉलिंग मार्क्स लिखा रहता है FM, देखिएगा एक जगह सफेद पट्टी पे क्या लिखा है, मतलब ट्रेन को उसके अंदर लेना है। तो हमारे यहां जब ट्रेन की शुरुआत हो रही थी ना तो औसतन 700 मीटर के हम लोगों ने क्या रख रखा है लूप लाइन, इसलिए मजबूरी में उससे लंबी ट्रेन नहीं रख सकते। कुछ ट्रेनें उससे लंबी हैं तो ऐसा ऐसा बीच वाले स्टेशन पे उसको रुकना ही नहीं दिया जाता है, स्टॉपेज नहीं दिया जाता है, कहे कि वो वहां रुकेगी तो मेन लाइन पे चलाएगी, रुकेगी लूप लाइन पे चलाएगी मेन लाइन। तो कुछ ट्रेनें हैं लंबी लेकिन उसके हिसाब से हर एक प्लेटफॉर्म नहीं है। तो बढ़ती ट्रेन के डिमांड को दूर करने का एक ये सिंपल रास्ता था कि बॉगी की संख्या बढ़ा दे। अरे ट्रेन नहीं ना बढ़ा सकते हैं, एक के में 200 डिब्बा जोड़ दे, मतलब 200 नहीं मतलब 60 को जोड़ दे, मालगाड़ी इतना 70 को जोड़ दे, ज्यादा जो मालगाड़ी का भी डिब्बा छोटा होता है लेकिन लंबैया ओवरऑल इतने रहेगी, तो ज्यादा जोड़ सकते थे। तो इससे एक नॉर्मल सा उपाय हो सकता था, अमूमन 5 को बॉगी बढ़ गया मतलब आधा ट्रेन बढ़ गया, लेकिन बढ़ाएंगे तो पूरे इंडिया से क्या बढ़ाना पड़ेगा, लूप लाइन बढ़ाना पड़ेगा, समझा गया कि नहीं गया। अब आप कहिएगा तो सबका बढ़ाने की क्या जरूरत है, मेन मेन स्टेशन का लूप लाइन बढ़ा दीजिए, जैसे लखनऊ कानपुर पटना गोरखपुर आगरा इसका बढ़ा दीजिए, तो ठीक है चलिए बढ़ा देते हैं। आप केवल सोच लिए हैं रुकने की स्थिति में कि गोरखपुर में ये खड़ी हो सकती है, उसका लूप लाइन बढ़ा, मान के चलिए गोरखपुर से पहले चौरी चौरा रेलवे स्टेशन है और वहां कोई इमरजेंसी आया जिसपे ट्रेन को मतलब आगे नहीं भेज सकते हैं, लूप लाइन पे खड़ा करना पड़ेगा, अब वहां फंस जाएगा। और नहीं तो मेन लाइन पे खड़ा कीजिए, मेन लाइन पे खड़ा कर दिए पूरा ट्रेन रुक गई, और लूप लाइन पे ले गए तो लूप लाइन छोड़ के किस पे चलाएगी, मेन लाइन। अब इसके लिए पूरे हिंदुस्तान का ससुराल प्लेटफॉर्म को घींच घींच के बड़ा करना पड़ेगा, लूप लाइन करना पड़ेगा, और प्लेटफॉर्म रेलवे स्टेशन बसे हैं सब 50 साल पुराने और वहां की जमीन बहुत महंगी हो गई है। अब सरकार जमीन खरीदने जाएगी क्योंकि एक्स्ट्रा जमीन थोड़ा बहुत रेलवे रखती है, ज्यादा बड़ा करने में ज्यादा। अब भारत में लोगों को देखिए ना, जहां जमीन लेने जाएंगे हमारा जमीन लेंगे, हमको मुआवजा चाहिए, बेटा को लोको पायलट बताइए, दामाद को स्टेशन मास्टर, पतों को TT, पूरा खानदान हटा देगा उसमें एक कट्टा जमीन देने के लिए। तो हमारे एक ये भी समस्या, और उन किसानों की भी समस्या, सरकार भी उन्हें ठग देती है कभी कभी, आधे पैसा देके बाकी आधा 10 साल लटका देती है, तो दोनों की समस्या आएगी नहीं यहाँ पे। तो किसान की ओर से कुल गऊ वाला ही कोट जाता, ना दे तो सड़क कभी कभी हो जाता है सड़के पर। ये सबसे भयंकर समस्या बिहार में है। बिहार में कोई कंपनी आती है तो सरकार से पूछती है आपके बियाडा के पास कोई जमीन है, सरकारी कंपनी है बियाडा जो जमीन ले लेती है उससे आप ले सकते, कुछ जमीन है तो उसके बाद बहुत कम जमीन बचल है, कहते नहीं नहीं किसान से खरीद लीजिए, कहता है जय हो भैया हमारे फैक्ट्री ना लगते हो। किसान से खरीदना हमारे यहाँ बहुत टाइप का है, कोई बेचना चाहेगा कोई नहीं बेचना चाहेगा। तो बिहार में अगर बस इतना सरकार कर दे कि आपको जमीन चाहिए कितना 80 बीघा,
तो सरकार को पैसा दीजिए, सरकार वो क्लियर उलियर करा के सरकार आपको थमा दे, कुछ कमीशन सरकार ले ले, सरकार को भी प्रॉफिट, उसको भी दिक्कत नहीं, टेंशन फ्री। वो जाता है सोच रहा फैक्ट्री खोल के फंस जाता है, जमीन में मुकदमा लगी हो, कब कपार ऊपर फूट जाता है उसका। पूरी रेलवे को कंट्रोल करने के लिए इसे जोन में बांटा गया, किसमें बांटा गया, जोन, एक ये जोन हो गया, एक ये जोन, ऐसे क्या किया गया है, जोन बाई जोन बांट दिया गया। पहले 17 जोन थे, फिर 18 जोन हुए, अभी 19 जोन हो गए। तो रेलवे को किसमें बांटा गया है, जोन, टोटल जोन की संख्या, और हर जोन जनरल मैनेजर के अंडर में होता है। रेलवे का बहुत बड़ा पोस्ट होता है जनरल मैनेजर, उस जीएम होता है जनरल मैनेजर, जिस दिन आएगा रेलवे पे ना पूरा चुना उन्ना लगा दिया जाता है कि कौन है, जनरल साहब आ रहे हैं, जीएम साहब आ रहे हैं, जीएम साहब, बहुत बड़ा पोस्ट होता है। पूरी इंडिया में कई गो है सब, 19 को जीएम है, सोचिए 28 को मुख्यमंत्री है, लेकिन जीएम कितना है, 19 तो है। पूरा रेलवे डिपार्टमेंट उसी के लिए एकदम अलग, अपना स्पेशल ट्रेन लेके चलाता है, तीन गो डिब्बा का लेके चल देता है वहां, जीएम उसी का होता है। अब जीएम कैसे संभालेगा इतना बड़ा एरिया, इसमें 100 बोले स्टेशन होंगे, तो जीएम को भी तो मुश्किल होगा कि नहीं। अब क्या करता है ना, जोन को फिर छोटे छोटे डिवीजन में बांट दिया जाता है, छोटे छोटे डिवीजन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, मतलब एक जोन में किसी में 3 डिवीजन, किसी में 5 डिवीजन, किसी में 10 डिवीजन, ऐसे ऐसे क्या बांटते हैं, डिवीजन बांट दिया। तो जोन को फर्दर किस में बांटते हैं, डिवीजन। इसकी संख्या अभी 70 हो गई है, कितनी हो गई है, 70 डिवीजन की संख्या। डिवीजन को कंट्रोल करता है डिविजनल रेलवे मैनेजर, DRM, डिविजनल रेलवे मैनेजर, DRM। जैसे दानापुर एक डिवीजन है, दानापुर डिवीजन, और दानापुर पटना को कंट्रोल करता है, राजेंद्र नगर को कंट्रोल करता है, और वो क्या होता है, DRM। अगर DRM आ रहे हैं ना राउंड पे, पूरा हल्ला हो जाएगा, पटना जंक्शन, पटना सारा, पटना के आसपास एरिया, क्योंकि यहाँ का DRM कहाँ बैठता है, दानापुर, और इधर हाजीपुर के पास एक सोनपुर में DRM बैठता है, उस एरिया में DRM आ गया, पूरा हड़कंप, DRM साहब आ गए, DRM साहब, पूरा पावर होता है उसके पास जबरदस्त, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब एक बात बताओ, इतना बड़ा एरिया में 10-20 गो स्टेशन होगा, DRM अकेले 20-20 गो को कैसे देखेगा, कहाँ बना है कहाँ, उसको बांट देता है स्टेशन मास्टर में, स्टेशन मास्टर। अब जो वो स्टेशन होगा स्टेशन मास्टर, बड़े स्टेशन पे स्टेशन मैनेजर दे देता है, क्योंकि स्टेशन मैनेजर का काम यात्रियों को देखना, और स्टेशन मास्टर का काम ट्रेन को देखना, क्योंकि बड़े स्टेशन पे दोनों ज्यादा हो जाता है, सोचो ट्रेनों ज्यादा आ जाती है, आदमियों ज्यादा आ जाते हैं सब, तो बांटना पड़ जाता है, यहाँ स्टेशन मास्टर को दे देता है, समझा कि नहीं। अब स्टेशन मास्टर को कौन जी बता कहाँ का पटरी बिगड़ल है, कहाँ का, तो ग्रुप डी वाले को दे देता है, दे देता ग्रुप डी वाले। अब जैसे मान के चलिए कहीं ट्रेन दुर्घटना हुई, यहाँ पे कोई ट्रेन दुर्घटना हो गई, सीधे मंत्री जी से सवाल पूछा जाएगा, एक के बार 40 गो माइक झोंझे लगा के घुस देगा मीडिया वाला, आप जब से मंत्री बने ट्रेनें उलट रही है, ऐसे करके से। ये कोई बात है यार, वो कौन ट्रेन लड़ रहा है, कोई कितना भी गधा मंत्री रहेगा एटलीस्ट तो ये तो नहीं चाहेगा कि लड़ जाए, गलती कहीं ना कहीं रही होगी, सीधे सवाल पूछेगा क्या बात है यहाँ पे। अब मीडिया है, 4 गो कैमरा है, हम इसकी जांच कर रहे हैं, ये है अंदर अंदर उसका खून खोल रहा है, हम जांच कर रहे हैं, जांच के आदेश दे दिए गए हैं, ये है वो, हटा हटा। अब वो आएगा ऑफिस में, मंत्री साहब कहेंगे कोने जोन में लड़ा है, मेन जोन होता है, कोने जोन में लड़ा है, तो अरे हाई जोन में लड़ा है, उस सीधे जोन के जनरल मैनेजर को उठा के कहेंगे कौन सी करता है तुम लोग के अंदर में, ट्रेन लड़ जाता है यहाँ पे, डेली ट्रेन लड़ता है, देखो जांच करो, कहेंगे यस सर 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 जांच कर रहे हैं सर, एकदम सर। अब बौखलाइल है कौन, GM। अब खोजेगा कोने DRM में लड़ा, अब उसके डिवीजन को फोन करेगा, अब यहां लड़ा है तो इसे काहे पूछेगा, अब खोजेगा कौन DRM है, अब किसको कहेगा DRM को, कौन सी हो रहा है यहाँ पे, ट्रेनवा कैसे गिर गई यहाँ पे, इतना मॉडर्नाइजेशन होने के बावजूद मीडिया में फजीहत हो रहा है, ऊपर से प्रेशर आ रहा है, कहीं सर जांच कर रहे हैं सर, एकदम सर 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 सर। अब स्टेशन मास्टर को करे धाय से, रे सूद गया था क्या तुम यहाँ पे, कहा नहीं सर देखते हैं सर पटरी में कुछ गड़बड़ था, सर सर सर। अब लाएगा ग्रुप डी वाले को, कैसे मार दिया था रे हथौड़ी। अब वहां चल गया वहां पे, अब ओकरा नीचे तो कोई है नहीं, अब वो पूरा घुसी आके रह गया। अब घरे आ गया तो पत्नी कहेगी खाना खाएंगे, चो यहाँ खाना नहीं खाएंगे। अब पूछेगी देर से क्यों आए हैं, उस गाड़ी सुन के आ रहा होगा देर से, कोई झाड़ देगा उसको पत्नी को। अब पत्नी लड़का का 3 बार TV देखता है,
पढ़ना लिखना है नहीं, खाली टीवी देखना है यहाँ पे। लड़का मुड़ी का जुआएगा बाहर जाएगा अभी।